नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्टिन टुडे का विशेष कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम लेकर आए हैं कोटा शहर की न्यायिक प्रणाली से जुड़ा अदालत का मुद्दा, जो करीब 50 साल से अधिक समय से एक स्थान पर संचालित हो रहा है। यहाँ पर वकीलों और मुवक्किलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोटा में लगभग 65 अदालतें संचालित हो रही है, जिसमें 15 से अधिक अदालतें किराए के परिसर में चल रही है। वकीलों की संख्या बढ़ते हुए 3,500 पहुंच गई है, तो पेंडिंग केसों की संख्या 50,000 है। मौजूदा परिसर के हालात यह है कि वकीलों के अलावा अन्य लोगों की जब संख्या बढ़ती है तो पैर रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं होती है। हालात यह है कि उनके बैठने की पर्याप्त जगह नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब भीषण गर्मी और बरसात होती है। ना तो गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर कोई संसाधन है, नहीं बरसात से। बरसात के समय वकीलों के शेड टपकने लगते हैं, उनका अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। हालांकि इस परिसर के बदलाव या बड़ा परिसर स्थापित करने के लिए वर्ष 2017-18 से प्रयास चल रहे हैं। जमीन देखी गई है, बजट भी स्वीकृत हो गया, लेकिन सेना की आपत्ति के कारण इसका काम आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिस जगह पर जमीन देखी गई है उस जगह पर सेना का क्षेत्र मौजूद है और काम वहीं पर रुक गया है। मौजूदा परिसर की सुदृढ़ करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार के समय प्रयास किए गए। तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने यहां पर नगर विकास न्यास के माध्यम से कई विकास के कार्य करवाए, लेकिन वकीलों की संख्या और मुवक्किलों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये विकास कार्य बहुत ही कम है। जब तक इस परिसर का विस्तार नहीं होगा या नई जगह पर अदालत नहीं बनेगी, तब तक समस्या का कोई समाधान नहीं होगा और वकील मुवक्किल तथा अन्य आदमी परेशान होते रहेंगे। इसी जगह की एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या हाईकोर्ट बेंच की है। इसके लिए अभिभाषक परिषद की ओर से लगातार प्रयास किए गए, लगातार आंदोलन किए गए। ये आंदोलन अभी भी जारी है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष बदल रहे हैं, कार्यकारिणी बदल रही है, लेकिन आंदोलन यथावत बरकरार है। आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने कई बार यहाँ पहुँचकर हाईकोर्ट बेंच कोटा में स्थापित करने के लिए आश्वासन दिए, भरोसा दिलाया, प्रयास का वादा किया, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हुए। अब चूंकि राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तथा संसद में कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो इससे उम्मीद बनी है कि कोटा में हाईकोर्ट बेंच की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने संबंधित पक्षों से विस्तृत बातचीत की और जाना कि दोनों मुद्दे कहां पर रुके हुए हैं और उनके समाधान कैसे होंगे। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने इस मामले में खुलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अदालत के विस्तार की समस्या काफ़ी पुरानी है और इसके लिए जमीन भी देखी गई, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत के पास ही जो खाली स्कूल की जमीन पड़ी हुई है, इसका अधिग्रहण करके यहाँ पे अगर मल्टी स्टोरी बना करके अदालत चालू कर दी जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बाहर जो अदालतें चल रही है उनको एक ही जगह पर लाया जाए तो मुवक्किल और वकीलों को आसानी होगी। भाई साहब, कोटा में अदालतों की क्या स्थिति है? कितनी अदालतें कोर्ट परिसर से बाहर संचालित हैं और टोटल कितनी यहाँ पे संचालित की जा रही है? कोटा में इस टाइम 65 अदालतें संचालित हैं और उसमें से 15 अदालतें किराए की बिल्डिंगों में चल रही हैं। लगभग अदालतें चल रही है लगभग 2 से 3 किलोमीटर के परिधि में अदालतें चल रही हैं। अब इतने दूर दूर जा रहे हैं वकीलों को, कभी इस अदालत में बुला रहे हैं, कभी उसमें बुला रहे हैं, फिर यहाँ मेन कैंपस है उसके मेन अदालत है, उसमें बहुत परेशानी है। कितने केस पेंडिंग हुए सर अपने यहाँ कोटा में? केस तो समझो आप मिनिमम 50,000 से ऊपर केस पेंडिंग है कोटा में, ज़्यादा ही है कम नहीं। सर, आप लंबे समय से नए भवन नए बिल्डिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी इसकी? 2018 में अपने दरबार का पेट्रोल पम्प है CMH ऑफिस के पीछे, वहाँ पे ज़मीन अलॉट हो गई थी। अलॉट होने के बाद उसकी नक्शा वगैरह प्लानिंग वगैरह सब बन गई थी। 193 करोड़ रुपए का बजट
गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया हुआ है जो अभी भी पीडब्ल्यूडी के पास पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद बता दें कुछ सेना ने कोई आपत्ति कर दी और उस आपत्ति के बाद वो काम वहीं पर लटक गया। बजट सेंक्शन है लेकिन जगह नहीं। उसके बाद मैं अभी दोबारा आया तो मैंने फिर प्रयास किए हैं, तिलम संघ है राउत भाटा रोड पर, वहाँ पर जमीन का प्रयास हो रहा है। लेकिन हमारी तो डिमांड ये है कि ये जो सेंट जॉन स्कूल का परिसर है जहाँ हमारी पार्किंग भी होती है, सूटेबल परिसर है, अदालत के बिल्कुल सटा हुआ है, अगर वो परिसर गवर्नमेंट एडॉप अधिग्रहण कर ले और करने के बाद वहाँ एक 4-5 मंदिर की मल्टी स्टोरी बना दे तो उसमें अदालत का काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से अदालतें संचालित सबसे सूटेबल जगह यही है। बस स्टैंड पास में, रेलवे स्टेशन पास में, नयापुरा पास में, MBS हॉस्पिटल पास में है, इसके अलावा कलेक्टर वगैरह जितने भी ऑफिस हैं सब यहाँ पे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये जगह अधिग्रहण कर ले और यहाँ पर अदालतों को बाकी तो 15 अदालतें जो बाहर चल रही है वो भी यहाँ आ जाएगी और वकीलों के बैठने का स्थान और पक्षकारों के बैठने का स्थान सबकी व्यवस्था हो सकेगी। एक और सबसे बड़ी समस्या जो आपकी डिमांड भी रही है लंबे समय से, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर क्या चल रहा है, कब से आपका आंदोलन चल रहा है? हाई कोर्ट बेंच के लिए तो हम पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं और आप लोगों ने भी देखा है कि कोटा बार एसोसिएशन ने इस प्रकार के आंदोलन किए हैं कि जैसे राजस्थान में कहीं भी नहीं हुए। और उन आंदोलनों का ही नतीजा था कि राजस्थान की सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी, उसमें हमारे ऐसे भी 3 मेंबर हैं, संभाग स्तर के वकीलों की कमेटी बनाई थी और उसमें कहा था कि गुणवत्ता के आधार पर परीक्षण करने के बाद ये तय किया जाएगा कि हाईकोर्ट की बेंच उदयपुर में खोली जाए या कोटा में खोली जाए। अभी फिलहाल दोनों जगह हाईकोर्ट की बेंच नहीं खुली है। हमारा तो कहना है जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति हो तो हाईकोर्ट की बेंच कोटा में खुल सकती है। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, माननीय ओमजी बिरला दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, हम उनसे दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अभी जो वर्चुअल बेंच की इनकी जो बातें हो रही है और कानून मंत्री ने चुनाव के पहले वहाँ बीकानेर में वर्चुअल बेंच खोलने की बात कही थी, लेकिन वैसा वास्तव में कुछ है नहीं। हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई बातचीत अभी तक नहीं चल रही, तो केवल वो बातें हैं। लेकिन हम चाहते हैं वर्चुअल वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, वर्चुअल तो आप कहीं से भी कोई भी सुनवाई अभी भी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच कोटा में खुले तभी जाकर के यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा और लोगों को त्वरित न्याय मिलने में सहायता होगी। कोटा में अगर हाई कोर्ट बेंच खुलती है तो कितने बड़े क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा? आप देखो ना कोटा का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, बारा, शाहबाद, झालावाड़, एकलेरा, मनोहर थाना, आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़ा है और दूर दराज अंचल के जो ग्रामीण लोग हैं अब कहाँ से वहाँ जयपुर जाना पड़ता है, इतनी दूर आदमी जाता है, पैसे खर्च करता है, फिर उसके बाद वहाँ तारीख पड़ जाती है। जब हाई कोर्ट की बेंच यहाँ खुल जाएगी तो कोटा डिवीजन के काम न्याय आ जाएंगे तो निश्चित रूप से काम का बोझ वहाँ हाईकोर्ट का भी ऊपर भी कम होगा और यहाँ के लोगों को भी न्याय मिल सके। कितनी बार बड़े आंदोलन किए होंगे कोटा में अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को लेकर? एक बार तो 4 महीने का आंदोलन हो गया, एक बार 3.5 महीने का आंदोलन हो गया, एक बार दोबारा से 70-80 दिन का आंदोलन हो गया और उसके अलावा छोटे मोटे आंदोलन तो अब लगातार चलते ही आ रहे हैं और अभी भी 3 शनिवार को हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर के हमारे आंदोलन, तो हम लोग तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने में हम ही नहीं कोटा की जनप्रतिनिधि, कोटा की जनता भी आंदोलन में हमारे साथ जुड़ती है। आज जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ही हाई कोर्ट बेंच के आंदोलन को लेकर के मुकदमा लगा था, जो कांग्रेस के जो जो विधायक सांसद का चुनाव लड़े उनके ऊपर भी मुकदमा लगा था, जो और जनप्रतिनिधि उनके ऊपर भी मुकदमा लगा था। तो ऐसा नहीं है जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग, सभी लोग, आम आदमी, सब लोग हमारे साथ लगे हैं। लेकिन एक बार पूरी इच्छा शक्ति के साथ अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो हाईकोर्ट की बेंच कोटा में आ सकते हैं। अब आगे किस तरह से प्रयास किया जाएगा? अब तो आंदोलन की जरूरत हम इसलिए महसूस नहीं कर रहे क्योंकि जो लोग आज हाईकोर्ट के बेंच के मामले को लेकर के हमारे साथ थे आज वो सब लोग सरकार में राजस्थान में भी हैं और दिल्ली में भी, तो वो लोग भी जानते हैं हाईकोर्ट बेंच की अब महत्व आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है। तो अगर कि उनसे मिलकर के हम दोबारा उनको अपना वादा याद दिलाएंगे, उनका प्रयास याद दिलाएंगे, उनको जनता की आवश्यकता याद दिलाएंगे और डिमांड करेंगे कि भाई आप लोग अभी इस समय ताकत में हो, पावर में हो, तो जनता का भला हो सकता है, इस प्रकार का काम करते हैं तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल है, अभी पिछले 10 सालों में कितने अधिवक्ता बढ़ गए हुए हैं और कितना छोटा पड़ने लग गया परिसर? लगभग 250 वकील हर साल आ रहे हैं और परिसर तो वही 1970 मतलब आज़ाद दो आदेश तब से यही परिसर चल रहा है, जो 7-8-10 वकील थे तब भी यही था और आज 3,500 वकील हो गए तो भी यही परिसर है। आप अभी दाल देख सकते हैं, बारिश आई है 2 घंटे पूरे परिसर में तो पानी भर जाता है, वकीलों के जूतों में पानी भरता है, निकलने की जगह नहीं रहती है, जगह जगह टीन शेडों बजट टपक टपक पानी टपकता रहता है। अभी हमने काफ़ी पैसे लगा करके जगह जगह टीन शेड करवाए हैं,
और मतलब ये समझो वकील एक तरह से सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले की जगह भी हमसे अच्छी है और उसकी पोजीशन भी हमसे अच्छी है। तो लोगों को सरकार को सोचना चाहिए कि एक बार सरकार जो कहती है कि हम न्याय दिलाएंगे, त्वरित न्याय, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें करें, नए कानून भी आए हैं, तो सरकार उन नए कानूनों के साथ साथ नई जो प्रक्रिया चल रही है उसके साथ साथ नया संसद भवन भी बनाए, नई नई बिल्डिंगें भी बन रही है, तो एक बार ये जो न्याय विभाग है इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे कि ये सबसे बड़ी जरूरत है, इसको भी महत्व दे और अदालतों के लिए समुचित जगह की व्यवस्था करें, वकीलों के बैठने की व्यवस्था करें, पक्षकारों के बैठने के लिए व्यवस्था करें। परिसर छोटा होने की समस्या से अभिभाषक परिषद ही नहीं, आम जनता व अन्य लोग भी जूझ रहे हैं। अभिभाषकों का कहना है कि परिसर छोटा पड़ रहा है, इसके लिए अभिभाषक परिषद के पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं। सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। सर, जो कोटा में अधिवक्ता हैं, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, कितना यहाँ पे संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं को लेकर? यहाँ पर वकीलों की बैठने की जो व्यवस्था है बहुत दयनीय स्थिति है। टिन शेड लगे हुए हैं, उनमें से पानी निकलता है, टपकता है, फर्श है, फर्श में कम से कम आधा आधा फीट एक एक फीट पानी भरा जाता है, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते सीट पे बरसात के मौसम में, ये स्थिति है। और परिसर भी बहुत छोटा है, वकीलों की संख्या बहुत है, परिसर बहुत छोटा पड़ रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सर, अदालत की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है कि जिस तरीके से कैंपस छोटा पड़ता जा रहा है, आधी अदालतें बाहर लग रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है आप लोगों के लिए? बैठने के लिए जगह की व्यवस्था हुई है लेकिन फिर भी कम पड़ता है, और नया जो प्रमेसिस है अध्यक्ष जी ने जगह तलाश की है तो उसमें अच्छी व्यवस्था हो जाएगी बैठने के लिए। और परिसर में जो व्यवस्था है, ये पानी की व्यवस्था ठीक है लेकिन बारिश का समय है तो चौक है, इसमें बारिश पानी बढ़ जाता है जिसमें वकीलों को निकलने में करने में असुविधा होती है। तो अध्यक्ष जी से आग्रह किया वो जल्दी जल्दी सब। नाम आपका? नाम बाबू वाला। मैं से यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति आपने देखी है, लगातार वकीलों की संख्याएं बढ़ रही है, परिसर छोटा पड़ रहा है, क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आप? व्यवस्थाओं को लेकर हमारे प्रयास कर रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत चल रही है, संभावना है इससे भी बड़ा परिसर देख करके चूज करके और परिसर का बड़ा भवन बनेगा, इस संबंध में डायरेक्शन भी है, हाईकोर्ट की भी डायरेक्शन है, ज़्यादा अगर जहाँ छोटी बड़ी वहाँ बड़ी बनेंगे परिसर छोटा पड़ने की समस्या से यहाँ पर टाइपिंग करने वाले भी काफी परेशान व प्रभावित हैं। उनका कहना है कि अदालत परिसर काफी छोटा है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इसलिए उनके साथ वकील व वकील भी परेशान होते हैं। इस समस्या का समाधान होना चाहिए, राजनीतिक रूप से प्रयास होने चाहिए। कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि समय के साथ केस व वकीलों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन कैंपस का विस्तार नहीं हुआ, इसके विपरीत कैंपस में स्थापित बड़े बड़े पेड़ कट गए, पार्क उजड़ गए और जो आवश्यक सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए थी वह भी लगभग खत्म हो गई, लोगों को इसके लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। समय के साथ केस व वकीलों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन कैंपस का विस्तार नहीं हुआ, इसके विपरीत कैंपस में स्थापित बड़े बड़े पेड़ कट गए, पार्क उजड़ गए और जो आवश्यक सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी वह भी लगभग खत्म हो गई, लोगों को इसके लिए भी अब इधर उधर भटकना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट जैसे पॉक्सो आदि यहाँ से काफी दूर है, वहां तक आने जाने में ही वकीलों को काफी समय और परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कैंपस का विस्तार हो, ऐसा कैंपस बने जहां सभी प्रकार की सुविधाएं हों तो यहां की समस्या का समाधान हो सकता है। आपने कितने साल पहले यहां पे अपनी अदालत स्टार्ट की थी, उस समय क्या स्थितियां हुआ करती थी, आज क्या स्थितियां हैं? मैं 1982 से यहां पे हूं और उस समय यहां 200 के करीब वकील हुआ करते थे और अदालतें भी 20% थी, आज इतनी अदालतें और मुकदमे थोड़ा जल्दी निमटते थे। आज हालत यह है कि कोर्टें तो खूब खुल गई, बहुत से कोर्टों में प्रिजाइडिंग अफसर नहीं होते, अधिकारी नहीं होते, वकीलों की संख्या 3000 क्रॉस कर गई है
और मुकदमों की स्थिति जस की तस, मुकदमे इतने डिस्पोजल नहीं हो रहे। हालांकि हाईकोर्ट इसमें प्रेशर कर रहा है कि भाई 10 साल से जो कम के मुकदमे हैं उनको फटाफट डिस्पोजल करो, और उसमें 8-10 दिन की तारीखें भी पड़ रही है। लेकिन फिर भी बहुत चेंजेज आ गया। पहले सिविल कोर्ट अलग हुआ करते थे और क्रिमिनल कोर्ट अलग हुआ करते थे, आज इन्होंने सिविल कोर्ट तो अलग करना बंद कर दिया। अब तो एक साथ सुनो सुनवाई होती है, एक ही जज या एक ही मजिस्ट्रेट सिविल और क्रिमिनल को दोनों को साथ सुनता है। इसके दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि सिविल केसेस पे कोई ध्यान देते, कुछ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सिविल थोड़ा टिपिकल काम है, हर कोई को समझने में नए मजिस्ट्रेट आते हैं उनको दिक्कत आती है। तो पहले जब स्पेशल काम हुआ करता था तो उसको केवल सिविल ही सिविल करना था तो वो स्पेशल उसकी उसमें ट्रेनिंग होती हो जाती थी। आज ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोटा पूरा करना है, क्रिमिनल में हो जाता है तो सिविल में कम ध्यान पड़ता है। इससे समाज में विकृति आ रही है, समाज लोग जो है ना लड़ झगड़ के मुकदमे, वहीं मुकदमों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं लड़ झगड़ के तय कर लेते हैं। उनको आधे सिविल में चलेंगे तो यहाँ कई साल लग जाएंगे और रिजल्ट कुछ आना नहीं है, पैसे बर्बाद होंगे, समय बर्बाद होगा, इसलिए लोग वहीं लड़के और अपना फैसला कर लेते हैं बहुत सारे लोग। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेज हमने देखे हैं। और जो कानून में विसंगतियां हैं वो भी बहुत सारी है, जैसे कि आज भी जिसका कब्जा है, अब कब्जा तो उसका होगा जिसके पास बल होगा, शक्ति होगी, जिसका कब्जा है उसको रिलीफ मिलती है, और जो कब्जा नहीं कर सकता वो घूमता रहता है रोड पर, उसको रिलीफ मिलती ही नहीं कोर्ट से। तो ये जो बाहुबली हैं उनको इसका लाभ मिलता है, कानून की जो खामी है इसका लाभ बाहुबलियों को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें सुधार की है और कोर्ट भी बढ़ने चाहिए। वकीलों की स्थिति ये है, आज वकील बैठे तो कहाँ बैठे, ये जो डीजे साहब के सामने पार्क है ये सारा पार्क ख़त्म हो गया, इसमें वकीलों को और एक टाइपिस्टों को जगह दे दी, जो थोड़ी बहुत हरियाली थी वो भी ख़त्म हो गई। बड़े बड़े पेड़, नीम के 200 साल पुराने पेड़ यहाँ से काट दिए गए और नए पेड़ लगे हैं वो भी बहुत कम हैं, तो हरियाली भी यहाँ से गायब हुई है। और प्रेशर इतना है कि बाहर से इतने लोग आते हैं, एक पेशाब घर है, एक पेशाब घर पे ताला लग रहा है, एक तोड़ दिया है, उसमें लाइन लगी रहती है, आप 15 मिनट पहले तो पेशाब कर नहीं सकते। लाइटों की हालत ये है, आधा घंटा लाइट आएगी फिर 15 मिनट बंद होगी, फिर इसके बाद लाइट आएगी। तो कुल मिला के व्यवस्थाएँ भी ठीक नहीं हैं और जगह भी कम पड़ रही है। यहाँ पे जो है अब दूर दूर उधर रेंट की अलग अदालत है, एक पोस्को की, वहाँ जाओ पैदल पैदल भरी गर्मी में भरी बरसात में, वहाँ 2 बार भी अदालत में चल गए तो आदमी की 12 बज जाती है। तो कुल मिला के एक कैंपस होना चाहिए और ढंग से बना हुआ होना चाहिए, ढंग से काम होना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इतनी दूर से ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, पैसा और समय बर्बाद करते हैं, सोचते हैं भाई न्याय के मंदिर में जा रहे हैं न्याय मिलेगा, दुर्भाग्य है। लेकिन आज न्याय से तो ये था आज का मुद्दा। लगभग 15 अदालतें कोटा परिसर के बाहर किराए के भवनों में चलने तथा 50,000 केस पेंडिंग होने और अदालत परिसर छोटा पड़ने के बावजूद इसके विस्तार को लेकर के कोई गंभीरता से प्रयास नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभिभाषक परिषद वो उसके पदाधिकारी लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास पूरे नहीं हो रहे। वर्ष 2018 से जमीन देखना इसका अधिग्रहण करने में ही 6 साल हो गए, अभी भी जमीन का फाइनल नहीं हो पाया, जबकि बजट स्वीकृत है। अभिभाषक परिषद की सलाह के अनुसार यदि पास में संचालित स्कूल की जमीन का अधिग्रहण करके यहीं पर मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण कर दिया जाए तो जगह की समस्या का समाधान हो जाए और वकीलों तथा न्यायिक कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले और समस्या का समाधान हो जाए। इसी प्रकार से कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से अगर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाती है तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है, क्योंकि अभी राजस्थान और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे उम्मीद है कि ये समस्या भी अगर राजनीतिक रूप से प्रयास किए जाएं तो इसका हल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत हेमंत शर्मा को, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।